स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएसवाई प्रवचन में। तो आप सभी साथी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस साइंस के स्पेशल एपिसोड में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ ईंधन से रिलेटेड कुछ गैस होते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसको समझने वाली बात है। जैसे आप लोगों ने एलपीजी का नाम सुना होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार है। एलपीजी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। लिक्विफाइड, पी फोर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, और जी फोर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो एलपीजी की अगर बात करते हैं तो एलपीजी के मुख्य घटक के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन में हमेशा पूछ लिया जाता है। अभी के बीपीएससी के एग्जाम जो हुए थे उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन है। तो एलपीजी के मुख्य घटक की बात करें तो इसमें प्रोपेन आ जाता है, और प्रोपेन के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों ब्यूटेन भी आ जाता है। और प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करें तो दोनों एल्केन समूह से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा कैसे है, एल्केन समूह के सदस्य है मेरे प्यारे साथियों। और प्रोपेन की बात करें तो इसका फॉर्मूला C3H8 होता है। अगर ब्यूटेन की बात करें तो इसका फॉर्मूला C4H10 होता है। तो आशा करता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एलपीजी के बारे में कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर एलपीजी का फुल फॉर्म पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप लोग बता दीजिएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों यहीं पे अगर आपसे सीएनजी के बारे में गलती से भी कोई पूछ ले, अगर सीएनजी के बारे में गलती से पूछ ले तो इसको क्या बताएंगे, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड, क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और सीएनजी के अगर मुख्य घटक की बात करें, इसके मुख्य घटक के रूप में अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों तो इसमें कौन आ जाता है, मेथेन आ जाता है, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों कौन सा आ जाता है, एथेन आ जाता है। मेथेन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। और इस मेथेन की अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और मेथेन की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत भी आता है, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगर एथेन की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C2H6 हो जाता है। मेथेन की बात करें तो आपको पता है ही। और इसके साथ साथ अगर दोनों की बात करें तो ये भी किससे रिलेटेड है, तो एल्केन ग्रुप से रिलेटेड है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एलपीजी और सीएनजी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एलपीजी के मुख्य घटक की बात करें तो प्रोपेन ब्यूटेन याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे सीएनजी के बारे में पूछे तो मेथेन एथेन याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, के बारे में पूछे तो हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन, वाटर गैस के बारे में पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का मिक्सर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस है या नहीं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है।